बंदे पुरुषोत्तमम श्री श्री ठाकुर जी की भाववाणी सन 1914 से आरंभ हुई है। श्री श्री ठाकुर जी बड़ाल बंगला वर्तमान मेमोरिया के बरामदा में भक्तों के बीच बैठे हैं। सुशील कुमार बसु ने कहा कि भाववाणी बंगला 1321 1914 साल से आरंभ हुआ है, उस समय लिखा नहीं जाता था। सुशीलदा ने प्रश्न किया कि उस समय आपकी उम्र क्या थी। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि मेरी उम्र उस समय 26 वर्ष थी। बड़दा का जन्म बंगला 1318 यानी 1911 में हुआ है। वहाँ बैठे आकुदा अविनाश अधिकारी ने कहा कि वह एक अद्भुत समय था। हार्ट बीट हृदय स्पंदन नहीं, पल्स बीट नाड़ी का स्पंदन नहीं, अथच मुंह से वाणियां निकल रही हैं। मैं आंख से नहीं देखता तो विश्वास नहीं होता, टेलीग्राम के तार के समान वो शब्द निकलता था, पैर का अंगूठा बीच बीच में हिलता रहता था। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि यह चीज रियलाइज उपलब्धि करने वाले लोगों को भी तो चाहिए। मुझे अफसोस है कि उस समय की सभी वाणियाँ लिपिबद्ध हो पाती तब बहुत बड़ा कांड होता, बहुत सी वाणियाँ मिस कर गई हैं। वह सब रहने से एक बहुत बड़ी पुस्तक तैयार हो जाता। आकुदा ने कहा कि मेरे पिताजी ने अनंतदा से सुना है कि श्री श्री ठाकुर जी को समाधि लग रही है, वे बोलते हैं जाकर देखो। मेरे पिता वृंदावन बाबू जाकर देखे एवं वे लिखना शुरू किए। भक्त ने कहा कि आपने तो सन 1918 में एटॉमिक बम्बार्डमेंट आणविक विस्फोट की बात कही है। आपने कहा है कि प्रयास करने से एटम अणु को तोड़ा जा सकता है। उस समय इस बात का किसी के पास इसका कॉन्सेप्शन बोध ही नहीं था। दीपरक्षी प्रथम खंड पृष्ठ संख्या 94 दिनांक 14/10/1954। जय गुरु।